हेलो प्यारे भाई, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से आपके पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। आपका जो होने वाला एग्ज़ाम है MTS का, बहुत ही देखा सा करीब आ चुका है आपका एग्ज़ाम। वैसे आपको पता है, 2-3 दिन से आपकी वीडियो आ नहीं पा रहे थे, उसके पीछे आपको पता है कार जो आपकी, हम लोग किसान हैं, कटाई बिटाई आजकल चल रही है, तो उसी में थोड़ा मतलब व्यस्त थे। आज देखा सा फ्री हुए हैं, तो हमने सोचा, देखा सा काफ़ी समय हो गया आपके वीडियो बनाए हुए, तो बहुत से देखा सा प्यारे भाई इंतजार कर रहे होंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, तो बताइए मेरे प्यारे भाई क्या इसका आंसर आएगा। ना अगर सवाल को आपको देखने के बाद आपको लग रहा कि लग जाएगा ना, तो एक बार जरूर कोशिश कीजिएगा लगाने को सवाल को ना। वैसे देखा जब बहुत ही अच्छा सवाल है जो आपके MTS के पेपर में देखने को मिल सकता है, बाकी अदर भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सवाल में जो बोला है, एक कंपनी में 4 कर्मचारी लॉरेंस, मार्क, जेसन और तान्या है। मार्क और जेसन कि मासिक आय का अनुपात कितना है? 5:6 दिया है। मार्क और क्या है, जेसन, इन दोनों का अनुपात कितना दिया है? 5:6 दिया है। आगे जो बोला है, और तान्या और जेसन, तान्या और जेसन की मासिक आय का अनुपात क्रमशः 4:3 दिया है। जेसन और क्या तान्या है, तान्या और जेसन का अनुपात कितना है? 4:3 दिया है। आप इन दोनों को क्या करेंगे, सेम करेंगे तो क्या मिलेगा? देखा जाए, इन दोनों को सेम करेंगे ना, आपको पता है रेशियो को मर्ज करना ना, रेशियो को मर्ज करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, आपका डबल दिख रहा है ना, यहाँ पर डबल दिख रहा है, इसका भी आप डबल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 8 आ जाएगा। 4 का डबल कितना आ जाएगा, 8 आएगा। तो देखा जाए आपको क्या मिल गया, यहाँ पे मार्क, जेसन और क्या तान्या का अनुपात मिल जाएगा। आगे जो बोला है, लॉरेंस की मासिक आय, लॉरेंस की मासिक आय से सभी 3 कर्मचारियों की आय की दोगुनी है। जो आपका लॉरेंस है ना, इन तीनों का क्या है, डबल है। इन तीनों का आप डबल करेंगे तो कितना आएगा, 8, 6, 14, 5, 19। 19 का डबल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 38 हो जाएगा। 38 की वैल्यू सवाल में जो बोली है, यहाँ पे लॉरेंस की मासिक आय कितनी है, 26,600। 38 की वैल्यू कितनी है, 26,600 है। कितने गुना दिख रही है, 700 गुना दिख रही है। आपसे पूछा जो है, तो शेष 3 कर्मचारियों में से उच्चतम मासिक आय किसकी है, जो आपके शेष यही तो हैं, इन तीनों में सबसे उच्चतम किसकी है, तान्या का। तान्या का आप 700 गुना करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 5,600 आ जाएगा। यह आपका मेरे प्यारे भाई बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, 5,600 ना। तो आइए आगे चलते हैं ना। सवाल जो बोला है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, इतना दिया है। तो आपसे भुजा की लंबाई पूछा है, तो आपको पता होगा मेरे प्यारे भाई कि जो आपका होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, √3/4, ये स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है ना। इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दी है, √3/2, 84 पॉइंट कितना, 5 दिया है। तो यहाँ से निकाल लेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे, ए का मान निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 से √3 जाएगा, यहाँ पे देखिए कितना, 2। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 5 10, 2 4 8 1 9, 2 8 16 आ जाएगा। तो ए का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे वर्गमूल लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 13 मिल जाएगा ना। तो यह देखा से आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, 13 है ना। हम यहाँ पे जो भी जितना भी क्वेश्चन करवाते हैं ना, सब के सब देखा से क्या है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बाकी पूछा भी गया है, ऐसी बात नहीं है। और अगला सवाल करिए क्या आएगा, वर्क एंड टाइम का है। पी और क्यू एक कार्य को क्रम से 14 दिन और 21 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिनों के बाद पी को छोड़ना पड़ा और क्यू ने अकेले ही शेष काम पूरा कर लिया। पूरा काम कितने दिनों में पूरा हुआ, आपसे पूछा है। तो क्या होगा सवाल, ये भी देखा जाए आपका पेपर का पूछा हुआ काफ़ी देखा जाए इम्पोर्टेंट भी सवाल है, इस वैरायटी का एकदम सेम देखा जाए डिट्टो सवाल, बस क्या डाटा आपका बदला हुआ था, लैंग्वेज आपके सेम है। आपकी सीजिल जो आपका प्री, जो आपका दिसंबर में पेपर हुआ था ना, तो उसमें देखा सर, हमने देखा इस लैंग्वेज का सवाल करीब करीब
सात आठ शिफ्ट में देखा था, पूछा हुआ था, बस डाटा बदल बदल के, डाटा बदल बदल के आपका एग्जामिनर पूछा हुआ था। आइए इसको कर देना। पी और क्यू का जो यहाँ पे दिया, क्या पी जो कितने दिन में करता है, 14 दिन में करता है। आपका क्यू कितने दिन में करता है, 21 दिन में करता है ना। यहाँ से आप इन क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 42 मिल जाएगा। 42 क्या हो जाएगा, आपका टोटल वर्क हो जाएगा, ये आपका क्या हो सकेगा, टोटल वर्क हो सकेगा। तो यहाँ से निकाल लीजिए मेरे प्यारे भाई, एफिशिएंसी निकाल लीजिए, दक्षता निकाल लीजिए, कितना 14 तिया कितना 42 आ जाएगा, 21 दुना कितना होता है 42, इन दोनों की एफिशिएंसी आ जाएगी। यहाँ से आगे जो बोला है, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया लेकिन 4 दिनों के बाद पी छोड़ता है ना, तो आप यह बताइए दोनों लोग तो 4 दिन तो काम किए होंगे, 4 दिन के बाद आपका पी छोड़ा ना, तो बताइए 4 दिन में दोनों लोग मिलकर कितना काम कर दिए होंगे। तो आप बताइए दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे, तो 4 दिन में आपका कितना काम होगा, होगा 20 काम होगा। आप बताइए एक दिन में देखा जाए दोनों लोग मिलकर 5 काम करेंगे तो 4 दिन तक काम किए हैं साथ में, 4 दिन में कितना काम होगा आपका, 20 काम हो जाएगा। तो 20 काम यहाँ से घटाएंगे तो आपका जो शेष वर्क आ जाएगा 22 आ जाएगा। 22 आपका क्या आ जाएगा, शेष वर्क, या इससे बोले क्या, रिमेनिंग वर्क बोलेंगे ना। यह जो आपका रिमेनिंग वर्क आपका आ रहा है, इसे कौन कर रहा है, क्यू कर रहा है ना, क्योंकि पी आपका छोड़ देता है, तो इसे कौन करेगा, क्यू करेगा। क्यू बताइए दो के इफिशियंसी से करेगा 22 काम, कितने दिन लग जाएगा, 11 दिन लग जाएगा। आपसे बोला है पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा, ये आपका रिमेनिंग वर्क कितने, 11 दिन में। इसके पहले 4 दिन आपका देखा से काम हो चुका था, दोनों लोग साथ में किए थे, 11 दिन यह 4 दिन पहले का ना, तो कितना आपका आ जाएगा, 11 4 आपका 15 आ जाएगा, है ना। बताइए आगे चले, आगे चलना ही होगा। तीन संख्याएं हैं, पी क्यू आर, 15 अनुपाते 17 अनुपाते 20 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं का योग क्या 36 40 है, तो क्यू और पी के बीच का अंतर, आर और क्यू के बीच का अंतर का अनुपात कितना आएगा। अगर देखा जाए यह आपका ना जो दिया है कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि आपको पता है अगर सवाल में अनुपात दे के अनुपात पूछे तो रियल डाटा का कोई यूज ही नहीं है, रियल डाटा का कोई यूज ही नहीं है, इसका कोई देखिए मेरे फेरे भाई यूज नहीं है। अगर यूज करेंगे तो आपका तब भी आपका आंसर आएगा, लेकिन सवाल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आपका टाइम उसमें वेस्ट होगा, तो लेकिन कहाँ है आप इसका यूज़ करें, अपना टाइम कहाँ है वेस्ट करें ना। तो सवाल में जो बोला अनुपात का यूज़ कीजिए ना, आर और क्यू के बीच का अंतर ना, नहीं आप देखें क्यू और पी ना, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है, और इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 3 का आ रहा है। ये जो आपका अंतर आ रहा है इन्हीं का आपसे पूछा अनुपात, 2 अनुपात 3 आपका आ सकेगा, यहाँ पे दिख रहा है क्या, डी ऑप्शन ना, है ना। काफी देखा जाए अच्छा वही सवाल था, बस वो डाटा आपका कंफ्यूज करने के लिए दिया था। आपके पास देखिए यहाँ पे क्या है, 2 ट्रेनें हैं, उनकी लंबाई दी है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही है, उनकी स्पीड दी है, आपसे पूछा है एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। आपको पता है ये जो डिस्टेंस कितनी तय करेंगी, डिस्टेंस कितनी बताइए चलेंगे ना, चाहे 2 ट्रेनें समान दिशा में चले चाहे क्या विपरीत दिशा में चले, तो वो अपनी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेंगी। तो यह देखा से क्या हो सके, इनकी जो है जो इनकी लंबाई है जोड़ेंगे तो क्या टोटल डिस्टेंस इतनी तय करेंगी, 375, बाकी इसको जोड़ेंगे तो कितना 500 आ जाएगा, 500 आपके क्या आ जाएगी, इतना मीटर दूरी आ जाएगी। बताइए अगर देखा जाए एक ट्रेन जो है इधर जा रही है और एक ट्रेन क्या इधर आ रही ना, है ना, ये अपने आप को कब पार कहलाएंगे, जब यह ट्रेन ना यहाँ पे आ जाए, जब यह ट्रेन क्या है यहाँ पर आ जाए, तो देखा जाए एक जब क्रॉस करेंगे तो दूरी कितनी चलेंगी, बताइए यहाँ से देखा जाए यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी, है कि नहीं। इसकी लंबाई कितनी है, 125 है, इसकी लंबाई कितना 375 है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आपकी आ सके इन दोनों की लंबाई के बराबर है ना, तो कितनी आ सके 500 आ सके। यहाँ पे दिया स्पीड, दोनों देखा से एक दूसरे के विपरीत चल रहे थे, उनकी स्पीड क्या आ सके, रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल,
रिलेटिव स्पीड ना, रिलेटिव स्पीड क्या होती है आपकी, इन दोनों के क्या आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे ना, विपरीत दिशा में चल रही है, तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 8, 6, 14, 1, 4 ना 144 आपका आ जाएगा, 144 किलोमीटर प्रति घंटा मान सकते, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से आपको गुणा करना पड़ेगा, 18 8 144 होता है, और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 बटे कितना आपको मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, यह मीटर पर सेकंड आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12.5 मीटर पर सेकंड आपका आ जाएगा, है ना। तो यह देखा था हमने, बहुत ही कम क्वेश्चन लिया था, लेकिन जितना भी लिया बेस्ट अपने आप में क्वेश्चन था, जो रिपीटेड क्वेश्चन है ना। तो बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर ना, ठीक है, बाय बाय भाई।